फ्रेंड्स कैसे हो फ्रेंड्स। आज हमारा नीट का जो रिजल्ट आया था 67, मेरा रैंक जो आया था 67 था। तो कल तो मैं कंफ्यूज था, लेकिन मैं सिक्रेटरी से जब बात किया वहाँ पे भुवनेश्वर कलिंगा इंस्टीट्यूट पे, तो उन्होंने कहा कल कुछ नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो आज आया था गाइस, तो मैं चेक किया, उसमें दिखा रहा था गाइस मेरा जो रैंक है 67 है। तो उन्होंने मतलब पास कर दिया, मुझे निकाल दिए हैं और काउंसलिंग करवाना है। तो मेरा काउंसलिंग डेट 14/5/2019 12 बजे मेरी काउंसलिंग है फ्रेंड्स। और लेकिन काफ़ी दूर है यहाँ से, मैं तो यूपी आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से काफ़ी दूर है। तो मेरे कोर्स का नाम मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो गाइस काफ़ी दूर है। और जो मेरी काउंसलिंग है गाइस, उसमें एक तो मुझे काउंसलिंग के डिटेल वो मांगे हैं, उसमें एक हमें ले जाना होगा रैंक का एक फ़ोटो स्टेट ले जाएंगे, एंड एडमिट कार्ड होगा हमारा 10 का मार्कशीट, एंड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर सर्टिफिकेट और कॉस्ट सर्टिफिकेट, ऐसे ही सब डिटेल है गाइस। और जो हमारा फीस लग रहा है गाइस 75,000, जिसमें 10,000 इंक्लूड है फीस, एडमिशन फीस है। तो 75,000 है और 2 ईयर्स का टोटल मतलब है उसमें, 2 ईयर्स का हमारा कोर्स है मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एंड मिनिस्टर का, 2 ईयर्स का कोर्स है। तो उसमें टोटल फीस 75,000 है गाइस। तो 14 तारीख को भी हमारा है काउंसलिंग, देखिए क्या होता है। घर पे तो बात किए हैं, कह रहे हैं सभी लोग देख लीजिए जैसा आपको समझ में आए गाइस। थोड़ा सा क्या है कि इधर से हमारे बहुत दूर है, मतलब कोर्स तो अब मतलब फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था, हम तो एक्सपीरियंस लेने गए थे कि कैसा होता है एग्ज़ाम, देखते हैं एक बार डाल के, इसलिए हम गए थे। तो इतना तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि निकल जाएगा गाइस, मैं ज़्यादा कुछ तैयारी भी नहीं किया था, निकल गया। आपको दिखाते हैं फिर, उसमें जो मेरा रैंक सीट है मैं उसको आपको दिखाऊंगा भी। और गाइस जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, काफ़ी दूर है, मतलब मामा से बोला था अपने, मामा कह रहे काफ़ी दूर है, देख लो जैसा आपको समझ में आए वैसा करो, ठीक है गाइस। तो क्या चलिए ठीक है, 14 तारीख तक काउंसलिंग, हम कहे तब तक इधर उधर से डिसाइड कर लेते, पापा से भी पूछ लेते अपने क्या है। लेकिन गाइस जो मेरा मेन पर्पज है कोर्स करने का, मैं डी फार्मा करना चाहता हूँ, मैं डी फार्मा करूँगा गाइस। तो इसलिए इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। और गाइस मैं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी वाला डाल दिया हूँ, उसमें डी फार्मा का कोर्स है, उसका भी मेरिट लिस्ट नहीं आया गाइस। अब मेरिट लिस्ट देखिए कब तक आता है, और मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो फिर हमें एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। अब देखिए उसी का वेट कर रहे हैं गाइस, देखिए क्या था, अगर वो नहीं निकले फिर प्राइवेट से एडमिशन करवाएंगे। मेरा जो मेन कोर्स है गाइस मुझे करना जो है वो डी फार्मा है, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, वो मेरा मेन कोर्स है, वही हमें करना है, 2 ईयर्स का होता है गाइस, वही करेंगे। ये तो हमारा रिजल्ट आ गया, देखो ऐसे ही गए थे यार एक्सपीरियंस लेने, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि निकल गया। चलिए ठीक है गाइस, अच्छा है, शायद फर्स्ट टाइम हम गए थे, मतलब मैं गाइस जब एग्ज़ाम देने गया तो कोई टेंशन नहीं, मतलब मैं माइंड फ्री होके गया था, मैं कोई तैयारी वारी नहीं किया था, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया था, पिछली वाली वीडियो में गाइस मैं कोई तैयारी नहीं किया था और फ्रेंकली गया दिया ऐसे ही गाइस। बस सोच रहा हूँ जब एक एग्ज़ाम निकल गया, मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही जो भी एग्ज़ाम आए ऐसे ही हमारा सब बढ़िया जाए, देखिए क्या होता है गाइस। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी वाला आएगा तो उसको देंगे, वो हमारा टफ है, उसमें थोड़ी तैयारी करेंगे गाइस, ठीक है गाइस, ओके बाय। हाँ और गाइस हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर